अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू योर लैब नंबर 6। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि एक ऑप एम्प को एज अ डिफरेंस एम्पलीफायर कैसे यूज किया जा सकता है। अच्छा, डिफरेंस एम्पलीफायर क्या होता है? डिफरेंस एम्पलीफायर बेसिकली आप दो इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑप एम्प को, जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम सेट करेंगे उसमें, और उन दोनों इनपुट वोल्टेजेस में डिफरेंस कितना है वो आपको बताता है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ सेंसर एज वेल। सो यू सी, हम अगेन मैं आपसे हर लैब में ये बात इस बात का ज़रूर जिक्र करता हूँ कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं यूज हो रही है, उसका कहीं ना कहीं जो है वो अपना एक यूजेज है, और इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी जो लैब पढ़ी थी उसकी भी आप लोगों को एप्लीकेशंस में बताई थी, दैट कुड बी यूज एज ए गेट। ठीक है, और यहाँ पर हम एज ए सेंसर देख रहे हैं, हमारे पास दो वोल्टेजेस आ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द डिफरेंस ऑफ आउट ऑफ देम। उन दो वोल्टेजेस के दरमियान का डिफरेंस हमें पता लग सकता है। अच्छा, इस लैब में प्री लेबोरेटरी सेक्शन है, यू गाइस ऑलवेज नो, गो थ्रू दीज, आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, जो हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर होता है उसका जो हमारे पास आउटपुट आता है वो उसकी एक्सप्रेशन ये यहाँ पे गिवन है। तो वी हैव इज इक्वल टू आर टू अपॉन आर वन V1 माइनस V2, V1 एंड V2 आपके इनपुट्स हैं। अच्छा, तो बेसिकली आपके पास जो है लास्टली हमारे पास जो V आउट आता है, ठीक है, अगर हम लोग एक उसकी जेनेरिक वो देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, सो वी गेट V आउट इज इक्वल टू AD इंटू VID प्लस ACM इंटू VICM। तो ACM जो है वो कॉमन मोड गेन को कॉमन मोड के गेन कहलाता है, और AD जो है वो डिफरेंशियल गेन कहलाता है। ठीक है, ये होते क्या हैं, ये आगे हम लोग इनकी जो है वो देखेंगे कि क्या चीज़ कहलाती है। ठीक है, कैसे यूज़ होती हैं, क्या इनका रोल है। अगेन VID और VICM भी आपके डिफरेंशियल और कॉमन मोड इनपुट सिग्नल हैं। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं। फिर हमारे पास ये फिगर गिवन है, ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की। सो इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे मल्टी सिम के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमें ऑप एम्प ले लेना चाहिए। सन ओके, अदर देन दैट वी नीड रेजिस्टेंस, सो आई एम जस्ट गोना ओके वी नीड VCC एंड VEE, ओके, एंड वी नीड ग्राउंड, सो दैट्स मोस्टली इट, दैट्स बट इट राइट हियर। ओके, सबसे पहले हम इन्हें कनेक्ट करते हैं आपस में, अच्छा, देन वी हैव नेगेटिव इन्वर्टिंग
आपकी बेसिकली आपकी जो भी इन्वर्टिंग इनपुट होती है वो दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड एज अ फीडबैक, सो डू रिमेम्बर दैट। ओके, अदर देन दैट वी हैव दिस राइट हियर। And this is basically a pull down resistor. So there we go. ठीक है, so ये चीज हमारी रेडी हो गई है। इसे चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर लगा लेते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज वॉट मीटर, नॉट वॉट मीटर, हमें इनपुट प्रोवाइड करने हैं, सो लेट्स यूज VDD एंड VSS। Okay, and there we have it. Good. This goes to our 15 volts. -15 volts. Now again, last lab की तरह maybe we don't get our desired results because mostly we do try to make it work it as an analog device. Okay, so I'm not sure how it will perform in a digital, so let's just run this and see. Ah, there we go. So we have a obviously हाँ, one thing यहाँ पे एक चीज बहुत noticeable है वो ये है कि अगर आप रेजिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस डिफरेंट रखेंगे रेजिस्टेंस, तो ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी डिफरेंट। सो यहाँ पर इन ऑर्डर टू हैव आवर एग्जैक्ट आंसर, मैंने सारे रेजिस्टेंस को जो है वो इक्वल रखा है ताकि हमारे पास जो आंसर आए वो एग्जैक्ट डिफरेंस हो हमारे इनपुट्स का। नाउ 5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, सो देयरफॉर वी गेट 3 वोल्ट आउटपुट जो इन दोनों का डिफरेंस है। सही है, रेजिस्टेंस चेंज करने का मतलब है कि आप जो है वो आपके पास ऑब्वियसली लेट सपोज 2 वोल्टेजेस का डिफरेंस आ रहा है, बट वो डिफरेंस बहुत ही छोटा है एंड यू नीड टू ड्राइव समथिंग आउट ऑफ इट, यू नीड टू यूज इट फॉर समथिंग, तो उसको आपने एम्पलीफाई करना है अगर, तो ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस को जो है वो चेंज करेंगे टू गेट अगेन और टू गेट अगेन आउट ऑफ इट। सी, सो अदरवाइज एज वी हैव सीन आवर फॉर्मूला हियर कि ऑब्वियसली अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो दिस विल बिकम 1 इक्वल टू 1, सो V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू 3, 5 माइनस 2, ओके, सो दैट्स इक्वल टू 3। अच्छा, अदर देन दैट अगर इनको डिफरेंस रखते हैं अगर हम R2 और R1 में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली जो है एक वोल्टेज डिफरेंस में या तो एम्पलीफिकेशन आ सकती है या अटेनुएशन आ सकती है। सही है, इट कैन बी आइदर एम्पलीफाइड और अटेनुएटेड, जस्ट लाइक अच्छा R1 R2। आप लोग ऑब्वियसली यू माई गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि R1 R2 कहाँ क्या क्या है। सो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज R1, ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट,
तो इसे मैं जरा तो चेंज कर देता हूँ, बट दिस इज स्टिल R1। ओके राइट, कैन वी डू दिस? ओके देन आई गेस वी हैव टू स्कैन, अच्छा R1 और R2 बेसिकली जो है वो R1 के इक्वल हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सही है, जो आपके एग्जैक्ट इनपुट पे आ रहे हैं। और R2 हमारे वो हैं जो एक फीडबैक पे लगा हुआ है और एक जो हमारे ग्राउंड हुआ हुआ है एज अ पुल डाउन, सही है। तो दीज टू आर R2 रेजिस्टर्स एंड दीज टू आर R1, ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड। अच्छा अब इसका तो हमने जो है वो देख लिया क्या आउटपुट आ रहा है, किस तरह से ये काम कर रहा है। आई एम गोइंग टू सेव दिस, ओके सही है। अच्छा अब हम नीचे आ जाते हैं, नाउ अब हम जा रहे हैं जरा अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस की तरफ, सही है, साइन वेव्स की तरफ और अदर स्टफ लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो दो फंक्शन जनरेटर्स लगे हुए हैं हमने, ठीक है, तो मैं इसी को चेंज करता हूँ, और रेजिस्टेंस ऑब्वियसली हमें चाहिए होंगी, तो जस्ट हमारे इनपुट वोल्टेजेस की जगह हम लगा देंगे फंक्शन जनरेटर्स, ठीक है। अगेन ट्रायंगुलर वेव को डिटेक्ट करना ज़्यादा इजी हमें महसूस हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रायंगुलर वेव ही प्रेफर करेंगे। अच्छा फंक्शन जनरेटर हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, और एक ग्राउंड, राइट, सो एक कॉमन ग्राउंड आ जाएगा हमारे पास, और दो फंक्शन जनरेटर्स आ गए। नाउ ऑब्वियसली वी विल नीड एन ऑसिलोस्कोप फॉर दैट, सो लेट्स गेट एन ऑसिलोस्कोप, देयर वी हैव इट। काम करते हैं, 4 चैनल ऑसिलोस्कोप लगाते हैं ताकि हम लोग हमारे इनपुट भी देख सकें, राइट, सॉरी, ठीक है, ग्राउंड की हमें जरूरत नहीं है। ए हमारा जो है वो इनपुट 1 होगा, बी हमारा इनपुट 2 है, और सी पे हमारे पास आउटपुट आएगा। आई रियली होप इनके कलर्स हम चेंज कर सकें, आई डोंट नो, मे बी ऑप्शन होगा, यू नो वी हैव टू एक्सप्लोर दैट अ बिट। अच्छा तो इनपुट को मैं जरा ट्रायंगुलर वेव रखता हूँ, और इसका एम्पलीट्यूड 10 V पीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो 1 Hz है, और जो दूसरा इनपुट है उसको मैं कर दूंगा 5, लेट्स गो फॉर 7, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हमें अपने उसमें भी मिल रहा हो, क्या हर्ट्ज सेम, ड्यूटी साइकिल सेम एंड एम्पलीट्यूड हमारा 7, ठीक है, हर्ट्ज एंड ड्यूटी साइकिल आप लोग चेंज करके देखना क्या आउटपुट आता है। ऑब्वियसली यू गाइस नीड टू डू समथिंग एज वेल। नाउ वेयर आर वी? ओके आई थिंक दैट्स जस्ट अबाउट इट, ठीक है, पुल डाउन रेजिस्टेंस आ गई, फीडबैक रेजिस्टेंस, या वेयर गुड टू गो, ठीक है, लेट्स रन दिस एंड सी व्हाट डू वी गेट। मैं देता हूँ टाइम स्केल जरा सा हम बढ़ा देते हैं,
500 milliseconds. Yeah, that is good. और इसे मैं करूँगा स्टॉप. ठीक है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल आ रहे हैं. ठीक है. दो हमारे इनपुट सिग्नल है ऑब्वियसली, और एक हमारा आउटपुट सिग्नल आ रहा है हमारे पास. इनमें से जो आप सबसे बड़ी वाली जो साइन वेव देख रहे हैं वो 10 वोल्ट है पीक टू पीक, बिकॉज यू नो एक बॉक्स जो है वो 5 वोल्ट के बराबर है. तो टू बॉक्सेस इक्वल टू 10 वोल्ट पीक टू पीक. ओके, 10 वोल्ट पीक टू पीक की एक है, और दूसरी है हमारी 7 वोल्ट पीक टू पीक. ये एक बॉक्स प्लस टू, इस तरह आप बेसिकली पता लगाते हैं कि आपका वोल्टेज कैसे क्या आ रहा है और किस तरह से आ रहा है. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस कि ये मतलब ये डिफरेंस कैसे निकलेगा. तो मैं पहले भी ये बता चुका था, बट खैर अगेन आई एम रिपीटिंग कि एक बॉक्स हमारा 5 वोल्ट के बराबर होगा. ये स्केल है, स्केल शोज यू एवरीथिंग. एक बॉक्स ये बता रहा है 5 वोल्ट पर डिवीजन. डिवीजन इज दिस बॉक्स, सो वन बॉक्स इज इक्वल टू 5 वोल्ट. तो 5 में 2 ऐड किया तो ये 7 वोल्ट हमने रखा हुआ था, और ये चूंकि दो बॉक्सेस हैं तो दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट. नाउ 7 और 10 वोल्ट, ये दो इनपुट हमने दिए थे, प्रोवाइड किए थे. सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, हमने सारी रेजिस्टेंस इक्वल रखी है बिकॉज वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ गेन राइट नाउ. सो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 3 वोल्ट पीक टू पीक. See, because it's not even touching your full box. See, ये एक division की half के half से थोड़ा सा ज्यादा है, so this is 3 volts. See, 10 minus 7 understandable है कि ये 3 volts के बराबर है. तो this is our output signal जो हम यहाँ अंदर देख रहे हैं सबसे छोटा. ये हमारा output signal है. We have these two as our input signals. See, so there we have it. No, don't cancel it. Yeah. Again, I'm gonna save this. Yeah, I'll get किसी का काम आ जाएंगे. ठीक है. So, there we go. हमने इसे as a DC भी चेक कर लिया, as an AC भी चेक कर लिया. We are getting our voltage difference. सही है. तो नीचे आते हैं. आप लोगों के लिए क्या काम है, आप लोगों का काम ये है कि आपने ऑब्वियसली जो है वो आपको उसको इक्वल टू जीरो लेकर आना है. ठीक है. कि आप दो इनपुट्स ऐसे दें कि आपके पास आउटपुट जो है वो इक्वल टू जीरो हो. नॉट आउटपुट, आपका जो ACM है यानी आपका जो गेन है कॉमन मोड गेन वो जीरो होना चाहिए इक्वल. ठीक है. तो मैंने चूंकि सारे रेजिस्टेंस इक्वल रखे थे, इट वाज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, इट वाज इक्वल टू 0.03 और समथिंग. सही है. 0.03 था आई गेस. तो दैट इज नॉट ऑब्वियसली जीरो. तो आपको उस गेन को जो है वो जीरो के इक्वल लेकर आना है. ठीक है. नो गेन एट ऑल. अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है. अब आपको एक डीसी डिफरेंशियल सिग्नल जो है वो अप्लाई करना है, और सिग्नल की रेंज जो है वो 5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट के दरमियान रखें. ठीक है. और अपनी ऑब्जर्वेशंस जो है वो इस टेबल में फिल कर लें. V1, V2, VID क्या आ रहा है, VICM क्या आ रहा है. ठीक है. गेन कितना आ रहा है और कॉमन मोड गेन कितना आ रहा है. तो ये आप टेबल भर लें. ठीक है. और साइनोसॉइडल डिफरेंशियल सिग्नल भी अप्लाई करने हैं अपने, जैसे कि मैंने वो अप्लाई किया था अभी, ट्रायंगुलर वेव अप्लाई की थी. इसी तरह आप लोग भी कोई ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव या साइन वेव अप्लाई करके और डिफरेंट आंसर जो आपके आ रहे हैं उसे वेरीफाई करके आप ये टेबल फिल कर दें. अगेन आप कोई से भी दो या तीन एक्सपेरिमेंट्स के जो है स्क्रीनशॉट जरूर लगाएगा आउटपुट के पीछे. सो आई नो दैट यू आर यू हैव डन इट योरसेल्फ. ओके,
अब आते हैं, ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इनको आपने आंसर करना है। देन द लास्ट इज काइंड ऑफ अ टास्क फॉर यू गाइस कि अगर आपने दो रेजिस्टर RX और RY को सीरीज में लगा के, मतलब तुम लोगों को वोल्टेज डिवाइडर बनाना आता ही होगा, नहीं आता, यू गाइस कैन गूगल इट, इट्स नॉट दैट हार्ड, बल्कि लैब नंबर 2 में मैंने जो है वोल्टेज डिवाइडर बनाना सिखाया था यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो गो थ्रू दैट, मेक अ वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, और सीरीज में मतलब ग्राउंड और VCC के दरमियान आपने जो है ये वोल्टेज डिवाइडर बनाना है, जैसे कि लैब 2 में मैंने बनाया था। RX और RY दोनों को 1 मेगा ओम्स के इक्वल रखें, ठीक है, देखोगे आपका वोल्टेज क्या आ रहा है, यानी VCC आपने दिया, ठीक है, 5 वोल्ट, और लेट सपोज आपने VCC 5 वोल्ट दिया है और नीचे ग्राउंड है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो जो है 2.5 वोल्टेज आएगा सेंटर, ठीक है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है। सो ये आ गया आपका आउटपुट। अब आपने यही चीज जो है अपने डिफरेंस एम्पलीफायर पे लगा के चेक करनी है, ठीक है, और आपने ये देखना है कि क्या सेम आउटपुट आ रहा है या नहीं, ठीक है। सेम आउटपुट आना चाहिए, अगर सेम आउटपुट नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि सेम आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज योर लैब नंबर 6। अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, एंड अदरवाइज यू गाइस कैन ऑल्सो आस्क मी ओवर व्हाट्सएप। सी यू। सो